सकते हैं इन दो इक्वेशंस के माध्यम से। इन दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 है पहले इक्वेशन से। अगर हमें Z11 फाइंड आउट करना है तो Z11 is equal to V1 upon I1 when I2 is equal to 0। अगर हम I2 को 0 कर दें तो हम Z11 को प्राप्त कर सकते हैं, Z11 is equal to V1 upon I1। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे Z11 is equal to V1 upon I1 when I2 is equal to 0। मतलब जब आउटपुट पोर्ट जो है नेटवर्क का वो ओपन सर्किट हो ऐसी स्थिति में हम Z11 प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। इसी तरह से है Z12 दोस्तों, Z12 इज इक्वल टू V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। तो ये है V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। जब इनपुट्स पोर्ट जो है उसको ओपन सर्किट किया जाए उस स्थिति में हम Z12 प्राप्त करते हैं। Z12 जो है क्योंकि यह है V1 अपॉन I2, स्रोत तो आउटपुट पोर्ट पर लगाया हुआ है और हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं V1 इनपुट पोर्ट पर, तो यह रिवर्स हो गया, इसलिए इसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। अब हम बात करेंगे Z21 की। Z21 जो है वो इक्वेशन से हम जब फाइंड आउट करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन से, तो ये आता है V2 अपॉन I1। यहां से देख सकते हैं हम Z21 इक्वल टू V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। जब I2 0 हो अथवा आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो, और ये आउटपुट पोर्ट पर हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं V2, इनपुट पोर्ट पर सोर्स लगा रखा I1 का, तो इसलिए ये कहलाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। Z22 फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, Z22 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। तो Z22 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड हो ऐसी स्थिति में हम जब Z22 प्राप्त करते हैं, और यह कहलाता है ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। और ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपीडेंस। तो ये हमारे चार Z पैरामीटर्स हैं दोस्तों, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाई पैरामीटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका Z पैरामीटर्स का इन दोनों इक्वेशन से इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सिखाता हूं। देखिए दो इक्वेशन हमारे पास KVL V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इनसे हम इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं Z पैरामीटर्स की फॉर्म में। ये रहा हमारा V1, और हम इक्वेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। V1 इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव V1 की। Z11 ये रहा हमारा Z11 I1, I1 हमारा इनपुट करंट है, प्लस Z12 I2। तो ये रहा Z12 I2 जो कि क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स, प्लस माइनस Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। Z12 I2 इज इक्वल टू V2 जो है कि वोल्टेज Z I, V इज इक्वल टू Z I, ये एक डिपेंडेंट सोर्स हो गया वोल्टेज का। इसी तरह से आउटपुट साइड में हम देखते हैं कि जो हमारा V2 है, ये रहा V2 माइनस प्लस V2 इज इक्वल टू Z22 I2 और Z21 I1। इस तरह से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। थैंक यू।